मणिपुर इस वक्त हिंसा की आग में जल रहा है। दो महिलाओं पर जुल्म का वीडियो वायरल होने के बाद मामला और भी गर्म हो चुका है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्र अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी अपने तेवर का इजहार किया है। उन्होंने पीएम मोदी से सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और विपक्षी दलों को नसीहत भी दी है। वीडियो वायरल होने के बाद देश भर में सड़क से सदन तक का घमासान मचा है। नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी पहले से ही केंद्र सरकार पर हमलावर थी। संसद का मानसून सत्र में भी विपक्षी दलों के नेता हंगामा कर रहे थे। विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मणिपुर पर दुख जताया और कार्रवाई की बात कही है। वहीं इसे लेकर चिराग पासवान ने भी मणिपुर के घटनाओं को अमानवीय करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांड के दोषियों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में ऐसी कोई घटना फिर कभी ना हो। चिराग ने सदन में हंगामा कर संसद की कार्रवाई में बाधा डालने वाले विपक्षी दलों को भी नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि सदन को चलने दिया जाना चाहिए, वहां गतिरोध उत्पन्न करने से कार्रवाई ठप हो जाएगी, सरकार का जवाब सुनने का मौका नहीं मिलेगा। ये जानना जरूरी है कि मणिपुर को लेकर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता सदन में अपनी बातों को मजबूती से रखें, लेकिन सरकार को भी जवाब देने का मौका दें। चिराग पासवान ने कहा कि इस तरीके की अमानवीय और जघन्य घटनाओं पर कोई सरकार का बचाव नहीं कर सकता। मैं भी ऐसा नहीं कर रहा, कार्रवाई तो करनी होगी और एक्शन भी लेना होगा। वही मैं नरेंद्र मोदी की सरकार से कार्रवाई की मांग करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।